नंद वंश का नाश कर चंद्रगुप्त को राजा बनाने वाले चाणक्य राजनीति और कूटनीति के महाकवि विद्वान थे। इन्हें चाणक्य के बारे इन दोनों भारतीय राजनीति में भी कुछ नेताओं को चाणक्य कहा जा रहा है, पर बहुत कम लोग जानते होंगे कि बॉलीवुड में त्रेजिडी किंग के रूप में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को मरते दम तक सिनेमा के पर्दे पर चाणक्य किरदार न निभा पाने गम सहलता रहा। तो क्या 7 जुलाई 2021 को 98 वर्ष की उम्र में इस संसार को अलविदा कहने वाले दिलीप कुमार को चाणक्य बनने का अवसर किसी निर्माता ने नहीं दिया था? ऐसा भी नहीं है। बॉलीवुड का यह बहुत चर्चित वाकया है जिससे हम फिल्मी संगम चैनल के दर्शकों को परिचित कराने जा रहे हैं। अपने समय के मशहूर फिल्मकार बलदेव राज चोपड़ा उर्फ बी आर चोपड़ा ने 1980 में चाणक्य पर चाणक्य चंद्रगुप्त नामक फिल्म बनाने का ऐलान किया था, जिसमें चाणक्य का किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार और चंद्रगुप्त का किरदार निभाने के लिए धर्मेंद्र को साइन किया गया था। इसके अलावा इस फिल्म में हेमा मालिनी व प्रवीण बाबी भी थी। यह पहली फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार और धर्मेंद्र एक साथ काम करने वाले थे। बी आर चोपड़ा ने इस फिल्म पर जोर शोर से काम शुरू किया था। इन कलाकारों का चयन और फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़कर निर्माता इस बड़े बजट की फिल्म पर धन लगाने को तैयार हो गए थे। दिलीप कुमार इस फिल्म को लेकर अत उत्साहित थे, मगर दिलीप कुमार चाणक्य के लुक के लिए गंजा होने यानी कि सिर मुड़वाने के लिए तैयार नहीं थे। दिलीप कुमार अपनी जगह सही भी थे, क्योंकि सभी को पता है कि पूरी दुनिया दिलीप कुमार के बालों की दीवानी थी। तब दिलीप कुमार को चाणक्य का लुक देने की जिम्मेदारी मशहूर मेकअप मैन पंधरी जुकर दादा को सौंपी गई थी। दिलीप कुमार को गंजा दिखाने के लिए आवश्यक विग बनाने के लिए बी आर चोपड़ा ने पंधरी दादा को लंदन भेजा था, जहां पंधरी दादा ने इनिस्ट नामक मेकअप आर्टिस्ट के साथ मिलकर विग तैयार की थी। इस विग को पहनकर दिलीप कुमार पूरी फिल्म गंजे नजर आने वाले थे। इस विग को बनाने में उस वक्त लाखों रुपये खर्च हो गए थे। पंधरी दादा इस विग को लेकर मुंबई पहुंचे और फिर दिलीप कुमार को इस विग को पहनकर लुक टेस्ट दिया था। इस विग को पहनने में 3 घंटे और उतारने में 1.5 घंटा लगता था। फोटोशूट हुआ और बी आर चोपड़ा के साथ ही दिलीप कुमार भी बहुत खुश हुए। सब कुछ तय होने के बाद फिल्म की शूटिंग की तारीख भी तय हो गई, लेकिन शूटिंग शुरू होती उससे पहले ही फिल्म के फाइनेंसर का निर्माता ने अचानक आर्थिक संकट की बात कर हाथ खड़े कर दिए थे। तब मजबूरन बी आर चोपड़ा को अपनी यह फिल्म बंद करनी पड़ी थी और दिलीप कुमार का सिनेमा के पर्दे पर चाणक्य बनने का सपना अधूरा रह गया था।